आप देख रहे हैं इतने सारे मेरे बन गए हैं वीडियोस एडिट करते रहते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, ये मेरे को बढ़िया लगा यहाँ पे डालने का। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या जानेंगे, आज का वीडियो बहुत ज्यादा छोटा वीडियो होगा। आज के वीडियो में स्टैश टोकन के थ्रू हेल्प से मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टोरेज अकाउंट को क्योरी कर सकें। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट को क्योरी करना है स्टैश टोकन की हेल्प, वो बताऊंगा आपको। कुछ कमांड्स है जो कि मैं बताने वाला हूँ, तो उसके पहले क्या करूंगा, स्टैश टोकन के हेल्प से एक बनाऊंगा। उसके पहले मैंने एक नोटबुक क्रिएट कर दिया, कट करके दिया, क्योंकि नोटबुक क्रिएट करना मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका पिछले वाले वीडियोस में। आपको नहीं बताया तो वाले वीडियो देख लिया, बहुत ज्यादा ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टैश टोकन के थ्रू, स्टैश टोकन होता क्या है पहले तो आप थोड़ा मैं अगर आपको वो दे दूं, स्टैश टोकन होता क्या है। स्टैश टोकन हमारा, एडिट में जाऊं, वर्ड ड्राइव ऑन कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट यार वर्ड ड्राइव ऑन करके देना चाहिए इनको, यार नहीं देता। स्टैश टोकन एक शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर होता है जिसकी हेल्प से मैं अपना डेटा को क्वेरी कर सकता हूँ, स्टैश टोकन या फिर अकाउंट की। मैं स्टैश टोकन की हेल्प से बताऊंगा। एक ये टोकन होता है जिसको आप किसी अपने यूजर को या क्लाइंट को दे सकते हैं, वो जब उसको फिर आप वैलिडिटी भी डाल सकते हैं, एक दिन का या दो दिन का, जितने दिन का डालना चाहते हैं उतने दिन का वो यूज करेगा, उसके बाद वो फिर उसको फिर एक्सपायर हो जाएगा, वो यूज नहीं कर पाएगा। अकाउंट की किसी को शेयर नहीं करते हैं, आप सैस की शायद शेयर करें, और सैस की भी शायद आप हार्ड कोड ना करें, आप सैस की को किसी कीवर्ड में डालें, कीवर्ड ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, कीवर्ड में डाल के फिर कीवर्ड से आप उसको क्वेरी करेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि सैस की भी एक ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, जैसे सैस की हो गया, पासवर्ड हो गया, अकाउंट की हो गया, ये सब सिक्योर चीजें होती हैं, तो यू शुड नॉट शो टू एनीवन। तो उसके लिए आपको कीवर्ड का यूज करना चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग भी कीवर्ड को ही प्रेफर करें आप। क्या करूंगा, spark.conf.conf सेट किया है, fs. इसको यार इसको नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, fs.azure.account.auth.type, फिर स्टोरेज अकाउंट मेरा क्या है, स्टोरेज अकाउंट मेरा जो स्टोरेज अकाउंट का नाम होगा वो डालूंगा, dfs.code.windows.net और sas। अगले लाइन पे आऊंगा, spark.conf.sys, fs.azure.sas.token.provider.type.type डॉट, उसके बाद स्टोरेज अकाउंट, फिर से स्टोरेज अकाउंट का नाम जो मेरा है वो मैं डालूंगा। ठीक है, जो मेरा नाम है स्टोरेज अकाउंट, आपका आपके केस में कुछ अलग हो सकता है, और स्टोरेज अकाउंट भी मीनिंगफुल डाले आपके लिए सही रहेगा। .dfs.code.windows.net, फिर उसके बाद एक org.apache.hadoop.fs.azure.bfs.sas.fix.sas.token.provider, ये स्पेसिफिक कोड है, हर जगह सेम होगा तो कोड को रटना नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप हेल्प से बना सकते हैं, पर जब आप इंटरव्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए दिमाग में होना चाहिए। फिर अगले लाइन पे spark.conf.sys, fs.azure.sas.fix.token, स्टोरेज अकाउंट फिर से स्टोरेज अकाउंट का नाम, स्टोरेज अकाउंट जहाँ बोला स्टोरेज अकाउंट का नाम होगा, .dfs.code.windows.net और फिर टोकन, ये चीजें मैं यहाँ पे करूंगा, सबको कॉपी करते हैं। सैस टोकन क्रिएट करने नहीं आता है तो मैं बताऊंगा किस तरह से क्रिएट करना है, आपको चिंता मत करें, ये बढ़िया है, यहाँ पे लगा देते हैं, सही रहता है। कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्टेड ऑलरेडी दिखा रहा है आपको। स्टोरेज अकाउंट नेम, मेरे केस में स्टोरेज अकाउंट नेम क्या है, मेरे केस में अगर मैं जाऊंगा, मीत हमारा कंटेनर का नाम है, ये एमबी सिक्योरिटी मेरा स्टोरेज अकाउंट का नाम है, तो इसको मैं डालूंगा यहाँ पे। स्टोरेज अकाउंट को रिप्लेस कर दे आप इसकी जगह पे, स्पेसेस और ये सब चीजें ध्यान रखें आप ना रखें, और इंटेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंडेंटेशन का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि ये हमें पाइथन का नोटबुक है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैप स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, यू कांट इग्नोर दैट, एरर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे टोकन मांग रहा है, अभी टोकन क्या है, मेरा टोकन मेरे पास होगा, मैं टोकन क्रिएट करूंगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यहाँ पे दिखा रहा है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यहाँ पे दिखा रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, लैग कर रहा है क्या, लैग नहीं कर रहा मेरा। सर्विसेस, कंटेनर, ऑब्जेक्ट, तीनों पर क्लिक करूंगा, सारा परमिशन ले लूंगा, और मैं इसको क्या करूंगा, जैसे मेरा अभी का दाम चल रहा है 1237 AM चल रहा है मेरा, तो इसको मैं कितना दूंगा, मैं 8:30 तक दे दूँ, हाँ 8:30 बजे तक, 8:30 ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 8:30 बजे तक नहीं करता हूँ मैं, इसको चेंज करने का कुछ तरीका है, हाँ मैं इसको 4 बजे तक दे दूँ, 3 बजे तक देता हूँ, 3:37 AM पैसिफिक टाइम है, यूएस का, यूएस एंड कनाडा ऑप्शन है। ठीक है, आप कोई भी टाइम जोन सेट कर सकते हैं, मेरे यहाँ पे बाई डिफॉल्ट लिखा रहा है, Q1 दिखा रहा है, Q1 या Q2 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो चाहें दोनों से काम चलेगा आपका। एक्सपायरी भी दिया है मैंने, एक्सपायरी डेट, तो इतना टाइम पे चलेगा, 337 के बाद वो बंदा यूज नहीं कर सकता जिसको आपने सैस टोकन दिया है। जनरेट सैस टोकन में क्लिक करूंगा, ये सैस टोकन है, कनेक्शन स्ट्रिंग में डाल देगा सैस टोकन यहाँ पे। और एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग भूल जाएंगे, क्वेश्चन मार्क रिमूव करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क अगर आपको आ रहा है सैस टोकन को डिलीव कर दें। मैं इसको रन करूंगा, रन हो रहा है, सक्सेस हो गया। अब क्या करूंगा, इसको क्वेरी करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, मैं अगर कंटेनर्स में जाता हूँ, मेरे स्टोरेज कंटेनर है मेरा, इसके अंदर मेरा एक मीत नाम का फोल्डर है। बाय द वे एक और चीज यहाँ पे, एक चीज हो गई है, यहाँ पे मैं कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा अपलोड करने के लिए, सॉरी फोल्डर क्रिएट करने के लिए, ये थोड़ा थोड़ा अजीब है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड में मैं जब क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, तो मेरे को एडवांस में जाके अपलोड टू अ फोल्डर साइड करके मेरे को डालना पड़ेगा फोल्डर का नाम। ये थोड़ा सा यूआई में इन्होंने चेंज किया होगा, तो उसके वजह से कुछ गड़बड़ हो गया होगा। यूआई में अपडेट करते रहते हैं तो शायद कुछ चीजें मिस हो जाती है। तो मेरे यहाँ पे टीवी स्टार्टर सीएससी फाइल फोल्डर पड़ी है, फाइल पड़ी है यहाँ पे मीट कंटेनर के अंदर, तो मैं उसको क्वेरी करूंगा। सीएससी फाइल है तो मैं क्या करूंगा, डाटा फ्रेम बनाऊंगा, डाटा फ्रेम डीएफएम का बना रहा हूँ, जनरलाइज है, आप कुछ भी बना सकते, कोई भी नाम से बना सकते, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डीएफ यूज करना है, आप रैंडम कोई भी नाम डाल सकते हैं। spark.read.csv csv फाइल csv डाल रहा हूं, तो फिर read.load भी कर सकते हैं, लोड के लिए जनरलाइज होता है लोड। फिर उसके अंदर .option करके आप जितने पैरामीटर डालना चाहते हैं, हेडर है कि नहीं, ये सब चीजें डाल सकते हैं। मैं करूंगा, मैं सिंगल कोट डाल रहा हूँ, डबल कोट भी डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। माइक कैन टेल, हां abfs होता है ना, abfs, ठीक है। तो स्टोरेज अकाउंट का नाम, तो स्टोरेज अकाउंट का नाम क्या करूंगा मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, सॉरी स्टोरेज अकाउंट का नाम नहीं है मेरा, ये स्टोरेज अकाउंट का नाम नहीं है, ये मेरा कंटेनर का नाम है। तो कंटेनर नाम मीट है और स्टोरेज अकाउंट का नाम @ स्टोरेज अकाउंट नेम .. क्या होगा, dfs.code.windows.net कॉमन है, आपको रट गया होगा, नेट तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं सारे मैं कोड भी शेयर कर दूंगा, बेस्ट है मैं कोड शेयर कर दूंगा बिटबकेट में, वो सही रहेगा आपके लिए, सारी चीजें वहां पर मिल जाएगा, सारा कोड मिलेगा आपको, क्या चीजें मैं टाइप कर रहा हूँ। dfs.code.windows.net होगा स्लैश क्या करूंगा, मीट मेरा कंटेनर का नाम है, उसके बाद मेरा कोई फोल्डर होता है तो मैं फोल्डर का नाम डालता, पर मेरे केस में फोल्डर का नाम नहीं है, मेरे केस में क्या नाम है, tvstar.csv, ये कुछ tvstar के नाम है तो उसको मैं डालूंगा tvstar.csv। मुझे पता है मेरे पास एक हेडर भी है तो मैं डॉट करके कर सकता हूँ या फिर डॉट ऑप्शंस कर सकता हूँ, आई थिंक डॉट ऑप्शंस पहले होगा, मैं अगर इस तरह से कर दूँ, भाई ये क्या करता है, आई डोंट नो ये क्या सिस्टम डाल कर रखा है इन्होंने, हेडर इक्वल टू डालूंगा, डाटा फ्रेम बन जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा, डिस्प्ले डीएफ करते हैं हम लोग, करता है यहाँ पे कॉमा डाल के, मुझे याद नहीं आ रहा वो वाला, ये वाला करते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, देखो एक मिनट को मैं वो वाले दिखा देता हूँ आपको, डेटा मेरा आ गया, बढ़िया चल गया। तो इस वीडियो में जाना किस तरह से मैं सैश टोकन का हेल्प से कर सकता हूँ, ये कोड आपको रन करना है कोड से हेल्प से। अब मैंने यहाँ पे बस कंटेनर नेम चेंज किया, इधर भी चेंज किया और इधर भी चेंज किया कंटेनर नेम, बाकी और कंटेनर नेम था नहीं था स्टोरेज अकाउंट नेम था, कंटेनर नेम यहाँ पे आएगा @ स्टोरेज अकाउंट नेम। इस तरह से मैं सैश टोकन की हेल्प से भी आप क्वेरी कर सकता हूँ, पर बेटर रहेगा कि आप माउंट पास क्रिएट करें, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।